स्वागत है आपका द राजशाही नेटवर्क में। मैं हूं आप सभी के साथ राजशाही शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं रूइंस ऑफ हम्पी के बारे में। रूइंस ऑफ हम्पी यानी जो हम्पी एक जगह है कर्नाटक में, वहां पे एक खंडर बना हुआ है जहां पे करीबन 56 पिलर्स हैं। उन पिलर्स का नाम है सारेगामापा पिलर्स। अब ये पिलर्स का नाम ऐसा क्यों है, ये पिलर्स को इस नाम से क्यों बुलाया जाता है, ये हम आपको बताते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। इन पिलर्स के अंदर से म्यूजिक निकलता है। म्यूजिक निकलता है यानी सारे गावा का जो धुन है, जो बेस है म्यूजिक का, वो निकलता है, जो एक बड़ी बात है। साथ ही हम बात करने वाले हैं विजय विठला टेम्पल हम्पी के अंदर है, जहाँ भी पिलर्स बने हुए हैं और वहाँ पर ये म्यूजिक, ये जो धुन है, ये निकलती है पिलर्स के अंदर से। ये एक अद्भुत चीज है जो हम कह सकते हैं और एक नई चीज है जो हम जान सकते हैं। इन म्यूजिकल पिलर्स को हिंदू आर्ट कहा जाता है, टेस्टिमनी ऑफ हिंदू आर्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पिलर्स बने किस चीज से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेटेलिक ओर जो होती है उससे बने हैं। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका ऑल्सो इन दीस पिलर्स, जिसकी वजह से शायद ये साउंड जनरेट होती है। बहुत सारे रिसर्च भी किए गए इसके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किए। यूनेस्को की वर्ल्ड लिस्ट में भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये पर्टिकुलर प्लेस हम्पी आती है। और साथ ही में जो रिसर्च वर्क किए हैं अलग अलग चीज़ों ने, रशिया भी इस पर काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, बहुत ही अनोखी चीज़ है। और साथ ही में वी लिव इन दिस कंट्री जहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही यूनिक है अपने आप में। इस जो अभी जो खंडर है, ये इसके अंदर एक म्यूजियम बन गया है जहाँ बहुत सारे पैलेसेस हैं, फोर्टिफिकेशन हो रखी है, एक रिवर भी है वहाँ पे, जो एक टूरिस्ट स्पॉट बनता है पूरा। वो सारी चीज़ें हैं इस प्लेस पे। हम्पी में आप रोड से भी जा सकते हैं, रेलवेज भी है पास में, एक गांव है, एक जगह है जहाँ आप, जो सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है वहाँ का। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप विजिट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। जो रूइंस ऑफ हम्पी है उसे आज के टाइम में आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, रिलीजियन, इन सब से जोड़ा जा चुका है। और वो खंडर है लेकिन उसकी जो अहमियत है वो हम आज भी जान सकते हैं कि किस तरीके से इस साउंड की वैली बनी हुई है अभी तक। जब हम इन पिलर्स के ऊपर थम से इसे मारते हैं या ऐसे कुछ करते, तो सारे गामा पा की जो ट्यूनिंग है वो इस पर बजती है। और साथ ही में बेल्स, जैसे रिंग कर रही हो, जैसे बेल्स का जो सारे गामा पा ट्यून होता है वो रिंग कर रहा हो, ऐसा सुनाई देता है हमको। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही यूनिक चीज़ है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट इज़ एन इनक्रेडिबल इंडिया।